लेके आओ। पहले थैंक यू कि आपने आपकी दुआओं के लिए। दूसरी बात यह है कि जो मेरी स्कूलिंग है, प्राइमरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूलिंग से हुई है। मेरी एंटायर एजुकेशन जो मेरी है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है, कॉलेज से हुई है। और मेरा जो कॉलेज है वो GDC बॉयज अनंतनाग रहा है। उसके बाद मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में PG इकोनॉमिक्स किया हूँ। और PG इकोनॉमिक्स करने के बाद मैं आई डिसाइडेड टू गो आउटसाइड J&K। सो मैं कलकत्ता गया, जहाँ से मैंने MPhil इन डेवलपमेंट स्टडीज रिसेंटली कम्प्लीट किया है। और इट वॉज ड्यूरिंग MPhil कि मैंने डिसाइड किया कि मैं इस एग्जाम के लिए अपियर हो जाऊंगा। बहुत ड्यूरिंग MA मेरा ये इरादा था कि मैं इस एग्जाम की ओर, आई कैन डू इट, ये तो पता था। बट सडनली मैंने एक तो क्योंकि सीट्स इसमें बहुत लिमिटेड रहती है, तो एक आपको एक ना अपना ऑप्शंस आपको बंद ही करने होते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना जो MPhil है वो कंटिन्यू करूंगा, और अगर मुझे टाइम मिला तो उसी दौरान मैं इसके लिए प्रिपेयर करूंगा। सो फॉर्चुनेटली कोविड वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी। कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, तो आई यूटिलाइज द लॉकडाउन, और लॉकडाउन के दौरान ही मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया है। तो मुझे थोड़ी फुर्त मोहलत मिल गई, तो मैंने इसके लिए एक्चुअली तैयारी की, और अल्लाह ने मेरे लिए अच्छा चाहा था, तो मेरी सेकंड रैंक आई है इसमें। मुसलमानस खुशी हर वक्त, खास कर इलाकन बचन गाम कन बचन इस खुशी इस हमें कर् मेहनत लाख लाख शुक्र कर रबुल कायनात कुन अमिस खड़ मेहनत बुह खुशी वारिया खुशी गई अस इंशाल्लाह तुम ये तवज्जो दिन तुम बचन कुन तुम हाय अल्लाह ताला बहार हर कंस हाय अल्लाह ताला बहार हर कंस हाय इस खुशी अल्लाह ताला। तो मे नज बहस दपान इस खुशी मे हम वन इस खुशी हाय सान गाम कन हर कंस हर माज हाय इस खुशी अल्लाह ताला। खान का भाई हूँ, तो जब मैंने कल ये खबर सुनी कि मेरे भाई का रिजल्ट आ गया, तो मैं खुशी से फूले न समाया, तो बहुत खुश हुआ। और मतलब मैं जब मैंने ही पहले ये खबर अपने घर वालों को दी, और घर वाले भी इतने खुश हो गए कि पता नहीं वो खुशी के मारे कि इतना रो पड़े कि मतलब माहौल ही चेंज हो गया। तो जो मेरा भाई है, मतलब मेहनत और लगन उसकी पहले से ही थी। मतलब 10वीं जमात का रिजल्ट जब इसको आया, तो वहीं से इसने असल में पढ़ाई स्टार्ट की, तो जिसकी वजह से अभी तक इसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। तो आप ये मतलब हमारे गांव के सभी लोग इसको अभी तक जानते भी नहीं होंगे, तो इतनी मेहनत और लगन इसने पहले से की है, तो जिसकी वजह से ये नतीजा पहुंचा है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में ये पहला बंदा है जिसने IAS का एग्ज़ाम क्रैक